दूरदर्शन किसान चैनल पर। बदलते भारत की शान। मिट्टी और जल को बचाना है, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना है। मिट्टी और पानी प्रकृति के अनमोल उपहार हैं, हमें इन्हें सहेज कर रखना चाहिए। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर धरती की इन धरोहरों को सुरक्षित रखना चाहिए। आज जब हर जगह जलवायु परिवर्तन की चुनौती है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, ऐसे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाएं। इस दिशा में सरकार ने प्रयास किए भी हैं, जो लगातार जारी हैं। देश की मृदा क्षरण समस्याओं की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में मृदा संरक्षण अनुसंधान प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्रों की एक श्रृंखला स्थापित की, जिन्हें वर्ष 1967 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR को हस्तांतरित कर दिया गया। कुछ समय पश्चात ICAR द्वारा अप्रैल 1974 में इन अनुसंधान केंद्रों को देहरादून मुख्यालय के अंतर्गत मिलाकर भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, जो आज भी IISWC के नाम से लोकप्रिय है। इस संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1974 में हुई। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये संस्थान एक अंग है। ये भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान ये शुरुआत हुआ था स्वतंत्र के बाद प्रथम पंचवार्षिक योजना में शुरू किया था। अब तक यहाँ अनुसंधानों का सिलसिला लगातार जारी है, जिन्हें कई हिस्सों में वर्गीकृत भी किया गया है, जैसे जल द्वारा होने वाले भूक्षरण का मूल्यांकन करना, कृषि व गैर कृषि योग्य भूमियों में मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकियों का विकास करना, जलागमों के जल विज्ञानी व्यवहार की पहचान करना, व्यापक क्षरण से प्रभावित क्षेत्रों की पुनर्स्थापना विधियां, सहभागी समय के जलागम प्रबंधन एवं मृदा एवं जल प्रबंधन परियोजनाओं का आर्थिक सामाजिक विश्लेषण करना, साथ ही मानव संसाधन विकास करना। इन अहम पहलुओं पर संस्थान में अनुसंधान हो रहे हैं, जिनके लिए यहाँ पर 4 विभाग समर्पित हैं: मृदा एवं सस्य विज्ञान संभाग, जल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, पौध विज्ञान और मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक विज्ञान विभाग। इन विभागों में वैज्ञानिक निरंतर शोध करते रहते हैं। इसके अलावा संस्थान और इसके सभी केंद्र देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में अनुसंधान प्रशिक्षण एवं विस्तार गतिविधियां संचालित करने के लिए आधुनिक सुविधाओं युक्त अनुसंधान प्रक्षेत्रों से सुसज्जित हैं। अब इतना आधुनिक संस्थान है देहरादून का IISWC, तो यहां का रुख करना तो बनता है। तो चलिए आज के श्रेष्ठ संस्थान में उत्तराखंड के इसी संस्थान के सफर की शुरुआत करते हैं। इस संस्थान की कार्य प्रणाली को समझते हैं और हर विभाग हर अनुसंधान से आपको रूबरू करवाते हैं। उत्तराखंड की खूबसूरती को निहारते हुए मन में सवालों का भंडार लिए मंजिल का इंतजार कर रहे हैं। सुंदर नजारों को निहारते हुए हम अब आ पहुंचे हैं अपनी मंजिल
भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान में। तो आइए बिल्कुल भी समय को न व्यर्थ करते हुए सीधा पहुंचते हैं निदेशक महोदय के पास। अभी लगभग हमारे साथ 8 प्रादेशिक संशोधन रीजनल सेंटर्स हैं और मुख्य कार्यालय है डेहराडून है। हमारा प्रमुख उद्देश्य है, 3 उद्देश्य पर हम लोग काम करते हैं। सर्वप्रथम संशोधन के रूप पर मिट्टी और पानी संरक्षण करके मिट्टी कटावत रुकने के लिए क्या क्या तकनीक होते हैं उसको संशोधन करते हैं। ये संशोधन के रूप पर उत्पादन बढ़ाने का और बंजर भूमि का उद्धार करना, साथ ही साथ ही नैसर्गिक प्रकृति है उसका उद्धार करना, इसके ऊपर हम लोग सर्वप्रथम उद्देश्य हैं। ICER का भारतीय मृदा और जल संरक्षण संस्थान अपने 8 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों देहरादून, आगरा, बेल्लारी, चंडीगढ़, दतिया, कोरापुट, कोटा, उदगमंडलम और वासद के साथ मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की जरूरतों को पूरा करता है। संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में वाटरशेड विकास कार्यक्रमों की कुशल योजना, निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली, नीतियों और संस्थागत तंत्र का विकास, मृदा और जल संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करने वाले वाटरशेड विकास के लाइव मॉडल का प्रदर्शन, विभिन्न माध्यमों से संरक्षण प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण भी शामिल है। अपने इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में ये संस्थान जुटा हुआ है। ICER का IISWC उत्तराखंड में कृषि की खराब स्थिति में सुधार लाने के दृष्टिकोण से भी प्रयासरत है। संस्थान द्वारा इस क्षेत्र में कृषक प्रथम परियोजना के तहत भूमि उपयोगी प्रणाली के मॉडल प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिनसे किसानों को लाभ मिल रहा है, किसानों में जागरूकता आ रही है। इसके साथ ही इस क्षेत्र की महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने की सफल कोशिशें की जा रही हैं। संस्थान के साथ से फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही यहाँ की महिलाओं ने प्रेरणा स्वयं सहायता समूह बनाया है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। संस्थान अपने क्षेत्र विकास के कार्यों में तो अहम भूमिका निभा ही रहा है और मृदा के साथ साथ जल संरक्षण के लिए भी अनुसंधान कार्य कर रहा है। आइए अब अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ के विभागों का दौरा करना शुरू करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं मृदा विज्ञान और कृषि विज्ञान प्रभाग का। इस विभाग के अंतर्गत केंद्र मृदा प्रयोगशाला स्थित है, जो कई तरह के आधुनिक उपकरणों से लैस है। सभी सुविधाएं यहाँ हैं, जिनके माध्यम से बड़ी ही आसानी से मिट्टी, पानी और पौधों तक का विश्लेषण यहाँ किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं वैज्ञानिक महोदय से। वर्षा काल में जो वर्षा होती है उसका लगभग 40-50% वर्षा का पानी मिट्टी के ऊपर से रन ऑफ या जो अपवाह के रूप से खेतों के बाहर बहकर चले जाते हैं। रन ऑफ के साथ साथ मिट्टी के जो उपजाऊ हिस्सा है और जो पोषक तत्व है उसको भी इसको खेतों के दूर बहाकर ले जाते हैं। कृषि यज्ञ भूमि में मिट्टी कटाव और जल संरक्षण के लिए ये विभाग समय समय पर तकनीकों को विकसित करने के लिए काम करते आ रहे हैं। जितने राज जो दुनिया योग की राह चली
विश्व भर में जलवायु परिवर्तन एक चुनौती है जिससे कृषि पर असर पड़ता है। ऐसे में कई तरह की प्रौद्योगिकियों को विकसित किया जा रहा है। ICR द्वारा भी अहम कदम उठाए गए हैं। ICR के IISWC की बात करें तो संस्थान में जल प्रवाह और मिट्टी कटाव पर जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के उपाय के साथ ही इसकी गति को कम करने के उपाय पर भी अनुसंधान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे हम GIS कहते हैं और साथ ही जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला विकसित की गई है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पर क्या उपाय किए जा रहे हैं, आइए जानें। जलवायु परिवर्तन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसका प्रभाव मिट्टी के कटाव पे अत्यधिक देखा गया है। ऐसा आकलन किया गया है इस प्रयोगशाला के द्वारा कि जो करीब 66 मिलियन हेक्टेयर जमीन अभी तक 10 टन पर हेक्टेयर से कम मृदा कटाव के वर्ग में आता था, जिसको हम भूमि क्षरण में नहीं मानते थे, जलवायु परिवर्तन के वजह से ये सारी ज़मीनें उस वर्ग में चला जाएगा जिसमें मिट्टी कटाव 10 टन पर हेक्टेयर से ज़्यादा है, और इसमें तब हमें कटाव को रोकने की आवश्यकता पड़ेगी। खास तौर पर जलवायु परिवर्तन में जल की कमी से जूझना होगा किसानों को, तो इसके उपाय के तौर पर कम वॉल्यूम का 10 क्यूबिक मीटर से 15 क्यूबिक मीटर की क्षमता के स्टोरेज और जल जमा करने के लिए साधन का विकास किया गया है, और जो कि जमीन के ऊपर लगाई जा सकती है उसका मूल्यांकन हम किसानों के साथ कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला के बाद आइए अब चलते हैं जल विज्ञान अभियांत्रिकी प्रभाग में। इस प्रभाग में भूक्षरण और वर्षा जल संरक्षण के लिए तकनीकी का विकास होता है। हमारा एक छोटा टैंक बना हुआ है, वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर। इसकी जो कैपेसिटी है ये 10 क्यूबिक मीटर है। इसमें से जो भी पानी आता है, इसके बाद हम इसमें एक माइक्रो इरीगेशन सिस्टम सेटअप किए हुए हैं। ये हमारा टेरेस है। इस टेरेस का एरिया हमारा 500 स्क्वायर मीटर है। इसमें हम डिफरेंट वेजिटेबल क्रॉप्स लेते हैं, और इस जो ड्रिप सिस्टम है इसमें हम लेटरल वगैरह लगा करके इसमें हम इरीगेट करते रहते हैं। यह पानी जो है हमारा जो 10 क्यूबिक मीटर का होता है, इस 500 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए सफिशियंट होता है, इसमें हम अच्छा क्रॉप ले सकते हैं। ऐसी तकनीकी जो पर्यावरण के लिए अनुकूल है और बेकार भूमि को फिर से उपयोगी बनाने में सक्षम है, उस पर काम हो रहा है। जल एवं अभियांत्रिकी विभाग, हाइड्रोलॉजी एंड इंजीनियरिंग डिवीजन, जैसा कि नाम से जाहिर है, भूक्षरण और वर्षा जल संचयन के लिए बायो इंजीनियरिंग मेजर्स की तकनीकों का विकास करता है और उनको विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए कैसे उपयोग किया जाए इसका प्रदर्शन भी हमने कई जगहों पे किया है सफलतापूर्वक। हमारी जो अभियांत्रिकी तकनीक होती है वो पर्यावरण अनुकूल होती है। किसी भी खराब ज़मीन को फिर से उपयोग में लाने के लिए पूरी तरह सक्षम होती है। भूक्षरण जैसी गंभीर समस्याओं और वर्षा जल संचयन के लिए अनुकूल संरचनाओं का विकास यहाँ पर होता है और उन्हें प्रदर्शित भी किया जाता है। इस प्रभाग के अहम कार्यों में भूजल स्तर सुधार भी शामिल है। देश भर में भूक्षरण और वर्षा जल संचयन का डेटा एकत्रित किया जाता है और उसका उपयोग परियोजना विकास में भी किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए छत पर जल संचयन के साथ ही सौर संचालित ड्रिप सिंचाई प्रणाली का डिजाइन भी विकसित किया गया है। ये प्रणाली जल संकट और ऊर्जा की कुशलता की चुनौतियों का हल प्रस्तुत करती है। तो वहीं संस्थान द्वारा अपनाई गई कंजर्वेशन बेंच टेरेस एक अपेक्षाकृत नई भूमि विन्यास प्रणाली है जिसे इंसिटू वर्षा जल संरक्षण और कटाव को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए अब इन सब प्रणालियों को बारीकी से समझें। यह हमारा एक मिनी वाटर सेड है। इसका टोटल एरिया है 0.568 हेक्टेयर। इसमें हम 7 लैंड यूज क्लासेज में हम इसको वर्गीकृत किए हुए हैं, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर फील्ड है, पाइन एरिया है, सिट्रस प्लांटेशन है, ग्रास फील्ड है,
एग्रो फॉरेस्टिक रिहाटरी सिस्टम है और वो क्रिया फॉरेस्ट है और ये ग्रास वाटर भी है। एक हमारा बना हुआ है यहाँ पर ये बकेट रखा हुआ है, उसमें 1.200 पास कलेक्शन होता रहता है, 24 आवर्स के बाद उसमें से हम सैंपलिंग कर लेते हैं। दूसरा हमारा है दिस इज सेडी ऑटोमेटिक सेडिमेंट सैंपलर, इसमें जो है 15 मिनट के लिए एक हमारा इसका सिस्टम है कि क्लॉक से कनेक्टेड है और जो भी हमारा पानी जाता है एक हमारा सिस्टम में 15 मिनट का रुकता है। तो अगर बरसात जिस समय होगी उस समय रन ऑफ होगा तो हर 15-15 मिनट के हिसाब से 24 घंटे के लिए इसमें 96 वाटर रखी हुई है। तो जिसमें भी रन ऑफ होता है उस समय हम इसका सैंपल ले करके और उसमें से हम एक सेडिमेंट एनालिसिस करते हैं, न्यूट्रिएंट एनालिसिस जो रन ऑफ के थ्रू होता है, सारे का हम सिल्टोग्राफ बनाते हैं और टोटल सेडिमेंट लॉस और न्यूट्रिएंट लॉस उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पूरे सिस्टम के लिए। जो हमारा एक मिनी वाटर सेट है इसका एरिया है 0.568 हेक्टेयर। संस्थान अपशिष्ट प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान देता है, तो आइए इसके बारे में जानने के लिए रुख करते हैं यहाँ की जैव अपशिष्ट प्रबंध इकाई का, जहाँ परिसर में उत्पन्न जैविक कचरे को वैज्ञानिक विधि द्वारा कंपोस्ट में बदला जाता है। पेड़ पौधों और फल सब्जियों के अवशेषों से भी कंपोस्ट बनाई जाती है। इसके अलावा केचुआ खाद का निर्माण कर आसपास के किसानों को उपलब्ध भी करवाई जाती है। वैज्ञानिक निर्मित कंपोस्ट का फसल और मृदा जल संरक्षण पर प्रभाव पर अध्ययन करते हैं और अभी तक इससे सकारात्मक परिणाम ही सामने आए हैं। हमारे परिसर में जो भी लॉन, हेजेज और पेड़ों की पत्तियों के जो बेकार का पदार्थ इकट्ठा होता है, उस सभी पदार्थ को हम इकट्ठा करके और यहाँ पर एक कंपोस्ट यूनिट हमने बनाया है जिसमें हर तरह की कंपोस्टिंग की जाती है और ये हमारे संस्थान में पैदा हुए कचरे को नियंत्रित करने का और एक अच्छे उत्पाद के रूप में बदलने का सर्वोत्तम जरिया है। अब बारी है मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक विज्ञान विभाग की ओर बढ़ने की। ये संस्थान का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है जो अनुसंधान के साथ साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है जिसमें छात्र, किसान और कर्मचारी भी हिस्सा लेते हैं। मैं यहाँ पे 4 महीने का मैंडेटरी सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। इधर हमारी डिपार्टमेंट, हमारे गवर्नमेंट का एक क्लॉज है कि हम लोग एक ट्रेनिंग फॉर 4 महीने का इधर से ही करें, इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून से करें। यहाँ पर हम लोग को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है सीखने के लिए, पर्टिकुलरली टू हाउ टू डेवलप सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन मॉड्यूल्स इन आवर स्टेट एंड कैसे हम लोग सॉइल एंड वाटर को जो कि मुख्य रिसोर्स हैं हमारे पास, उनको उस नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज करके इसको इस रिसोर्स को बचाते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें रखते हुए लाइवलीहुड क्रिएशन करना है। इसके साथ ही ये विभाग संस्थान की उपलब्धियों को म्यूजियम के रूप में संगठित किए हुए है। इस विभाग का मुख्य कार्य रिसर्च वर्क, जिसमें हमारे पास में 6 रिसर्च प्रोजेक्ट हैं जिनमें अलग अलग साइंटिस्ट हमारे कार्यरत हैं। इन 6 प्रोजेक्ट्स के अलावा करीब 20 प्रोजेक्ट में हमारे ये सारे मैं इंक्लूडिंग हेड सब लोग कार्यरत हैं और इस विभाग की जो सबसे मुख्य कार्य है वो लोगों की कैपेसिटी बढ़ाना है, ट्रेनिंग देना है। तो ट्रेनिंग के विषय में यहाँ पे अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग चलती है। मैं इंडिया की फ्रीडम के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं तो स्वयं चाहता हूँ कि तुम अपने पंख फैलाओ। स्वामी जी की आखिरी इच्छा थी स्वराज और इसके लिए उठो, जागो, सचेत हो जाओ और तब तक नहीं रोको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वराज में देखिए भारत को अपनी कर्म भूमि बनाने वाली बहन निवेदिता की अमर गाथा। संस्थान का अहम हिस्सा है नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट। इसके अंतर्गत पीएमई
और KM यूनिट सेल में कार्य होता है। इस यूनिट में संस्थान और सरकार जैसी बाहरी एजेंसियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य किया जाता है। नियमित समय अंतराल पर अनुसंधान परियोजनाओं की प्राथमिकता, निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ और क्या कार्य होता है, आइए जानें। संस्थान का रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करना, रिसर्च कोऑर्डिनेशन करना, हर तरफ का मदद करना, प्रोजेक्ट सबमिशन, इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन में, एंड हम लोग एक साइंटिस्ट का एंड पब्लिक का एंड ICR का एक लिंक का रूप में काम कर रहा है। और हम लोग ये अनुअली या पीरियडिकली हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट को असेस करता है। अब बारी है कृषि सांख्यिकी और सूचना विज्ञान विभाग की ओर चलने की। यहाँ पर फील्ड प्रयोग सेटअप के लिए इष्टतम प्रयोग डिजाइन पर सलाह प्रदान की जाती है, ताकि सकारात्मक परिणाम उत्पन्न करने के लिए संसाधनों का यथासंभव कुशलता से उपयोग किया जा सके। आइए इससे संबंधित जानकारी लेते हैं वैज्ञानिक महोदय से। हमारा जो मेन काम होता है कि जितना भी रिसर्च प्रोजेक्ट होता है उसको प्रायोरिटाइज करना, उसका मॉनिटरिंग करना, उसको इवोल्यूशन करना और डिफरेंट मेथड डेवलप करना, जो कि हम उसको असेसमेंट कर सकते कौन सा प्रोजेक्ट अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं इस संस्थान का एज ए स्टैटिस्टिशियन के हिसाब से भी काम करता हूँ। उसका काम होता है डाटा कलेक्शन, एनालिसिस और जो भी डिफरेंट साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं उसका आउटपुट को एनालाइज करना, सो दैट कि उसमें से कौन सा बेस्ट आउटपुट है वो हम दे सके। और डिफरेंट फिनोमेना का एनालिसिस करना, जैसे एनवायरमेंटल हो, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन का हो, और उससे मॉडल डेवलप करना जो कि हम उससे डिफरेंट सॉफ्टवेयर बना सके। और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर होता है, जैसे स्टेट डिपार्टमेंट हो, डिफरेंट NGOs हो, वो हमारे ये नॉलेज को रेडीमेडली यूज कर सके। इस संस्थान में स्थित है पुस्तकालय, जहाँ पर मिट्टी और जल संरक्षण और वाटरशेड प्रबंधन के विषयों से संबंधित सभी प्रकार के साहित्य का एक समृद्ध संग्रह है। यहाँ पुस्तकालय में लगभग 9605 पुस्तकें, 7761 पत्रिकाएं, 13 भारतीय जर्नल, 17 बुलेटिन रिपोर्ट और मानचित्र चार्ट आदि भी उपलब्ध हैं। इन सब के अलावा यहाँ पर ई पुस्तकें भी उपलब्ध हैं। पुस्तकालय में कोहा सॉफ्टवेयर भी लागू किया गया है, जिसके माध्यम से जानकारियाँ साझा की जाती हैं। पुस्तकालय के साथ ही इस परिसर में उत्तराखंड की मशहूर नदियों का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यहाँ अलकनंदा, मंदाकिनी और नंदाकिनी उपस्थित हैं। जी हाँ, इन सभी नदियों के नाम ही संस्थान के अतिथि गृहों की पहचान है। इस संस्थान में गेस्ट हाउस की पहचान इस प्रदेश की नदियों से की जाती है, जहाँ पर देश विदेश से आगंतुक या फिर प्रशिक्षणार्थी आकर ठहर सकते हैं और संस्थान की बारीकियों को आसानी से समझ सकते हैं। ICR के इस संस्थान का भ्रमण करते हुए हम इतना तो जान रहे हैं कि IISWC हर क्षेत्र में कुछ अनोखा कर रहा है। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपशिष्ट जल के उपचार के लिए भी कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड नामक तकनीक विकसित की है। क्या है ये तकनीक, आइए जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे इस संस्थान में अभी एक जल उपचार तकनीकी अभी स्थापित की गई है। इस तकनीकी से हम जो हमारे संस्थान में रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसका डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इस तकनीकी से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसकी कैपेसिटी टोटल 50,000 लीटर पर डे है। संस्थान में ज्ञान का भंडार है, जिसे सभी से साझा किया जाता है। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करके, ऑनलाइन गोष्ठियों या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके, जिसका बीड़ा उठाया है कृषि ज्ञान प्रबंधन इकाई ने। ये संस्थान की AKM यूनिट है, जो पूरे संस्थान में जितना भी IT रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करती है, और उसके साथ जो भी यहाँ की तकनीकी उपलब्ध है उसको वेबसाइट के माध्यम से डिसेमिनेशन के लिए कार्य करती है। ये संस्थान अपने में बहुत सी जानकारियां समाये हुए है,
अभी तक के सफर में हमने बहुत कुछ जाना है, लेकिन अभी भी फहरिस्त लंबी है। यहाँ की फार्म और आसपास के गांवों का रुख भी तो करना है, उनका जायजा लेना है, किसानों से मुलाकात करनी है, जिसके लिए मिलेंगे आपसे श्रेष्ठ संस्थान के अगले अंक में। अगले सप्ताह हमारे सफर को आगे बढ़ाएंगे इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेगा आपका साथ। आज के हमारे सफर में बस इतना ही।